नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला गया हुआ है, और इसमें देखिए जो है आपका ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। तो आप लोग देखिए इसके रिगार्डिंग जो है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, इसमें देखिए आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इसमें देखिए पहला आपका है ट्रेनी इंजीनियर का है, तो इसमें देखिए टोटल जो पोस्ट है आपका 125 है। अपर एज लिमिट इन्होंने देखिए 28 ईयर्स का रखा हुआ है इसके अंदर में, और रिजर्वेशन वाइज भी आप देख सकते हो कितनी पोस्ट है सबके लिए। और बाकी देखिए जो पोस्टिंग आपका होगा तो ये जो है अक्रॉस इंडिया आपका होगा। फिर अगला आपका देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर वन का, इसमें देखिए जॉब कोड आप लोग देखना, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया रहेगा। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका इसमें 9 है, और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स का इन्होंने रखा हुआ, ये भी अक्रॉस इंडिया ही आपका रहने वाला रहेगा पोस्टिंग। अगला आपका देखिए इसमें है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर वन का, इसमें 8 वैकेंसी है, और ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल पे आपका ये सेंटर जो कि महाराष्ट्र में वहीं पर आपका पोस्टिंग होगा। और ट्रेनिंग इंजीनियर जॉब कोड आप लोग देखते चलना, इसमें 43 है आपका, और ये जो है बेंगलुरु में आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर आपका, जैसे कि इसके अंदर में जॉब कोड SK05 का है, इसमें टोटल 6 है आपका, और ये भी बेंगलुरु में। अगला आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर आपका जो कि जॉब कोड इसका ये दिया हुआ है, इसमें देखिए 14 वैकेंसी है, और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उन्हें 32 ईयर्स का रखा हुआ है, और ये भी बेंगलुरु में है आपका। तो आप लोग यहाँ पे जॉब कोड के अकॉर्डिंग जो है ये देखना आप लोग यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें एलिजिबिलिटी भी मांगा जाएगा। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर का दिया हुआ है, तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्चुअली पोस्ट आपका निकाला गया है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है आपका, तो इसमें आपको इनिशियल जो है 3 ईयर्स का आपको रखा जाएगा, प्रोजेक्ट पे रखा जाएगा आपको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, और इसको जो है मैक्सिमम 1 ईयर तक और एक्सटेंड आपको किया जा सकता है। तो आपका जैसे कि जॉब जो है 4 ईयर तक इसमें रहेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है आपका यहाँ पे। और आपको जो कितनी सैलरी दी जाएगी तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ मेंशन करके आपका दिया हुआ है। और बाकी देखिए जो ट्रेनिंग इंजीनियर का, तो इनको इनिशियल 2 ईयर्स का जो है रखा जाएगा पोस्ट पे, और इसको जैसे एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 1 ईयर का, तो मैक्सिमम आपका 10 और 3 ईयर्स का रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ जैसे पोस्ट के प्रोजेक्ट के अनुसार आपका ये रहेगा यहाँ पे। और बाकी देखिए आपका कितना सैलरी रहेगा तो ये पूरा दिया हुआ इन्होंने, तो दोनों का अलग अलग करके है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन की, तो जैसे ट्रेनिंग इंजीनियर है आपका वन का, आप लोग जो है वो जॉब कोड देखना कितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ दिया भी है। तो इसके लिए देखिए जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर वन का जो कि जॉब कोड FL01 था, तो इसके लिए इन्होंने 4 ईयर्स का फुल टाइम BSc BE BTEC इंजीनियरिंग कोर्स का इन्होंने जो है डिग्री मांगा हुआ है आपका यहाँ पे। और कौन कौन से ब्रांच है यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इसके अलावा जो है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो ये सारे ब्रांच को जो है इसमें एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगा हुआ है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मंथ या ईयर का एक्सपीरियंस भी जो इन्होंने मांगा हुआ है इसके लिए, तो इसमें देखिए 6 मंथ का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, और साथ में जो है आपका जैसे कि नॉलेज भी होना चाहिए फर्स्ट लेवल का, जैसे चेकिंग करने के लिए EVM या VVPAT जो होता है इलेक्शन काउंटिंग ड्यूटी में जो होता है आपका, और आपका जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस जैसे भी होता है तो उसमें एक्सपोजर आपका होना चाहिए, तो ये एसेंशियल है इसके लिए। 6 मंथ का इसने देखिए मिनिमम का एक्सपीरियंस इन्होंने तो मांगा हुआ है 6 मंथ का एक्चुअली। और भी नीचे देखिए यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर वन का, जिसमें कि वैकेंसी आपकी जो भी थी इस कोड के अनुसार, तो आप लोग उसको देख लेना। इसके लिए भी इन्होंने 4 ईयर का फुल टाइम BSc या फिर BE BTEC इंजीनियरिंग कोर्स का डिग्री इन्होंने मांगा हुआ है आपका। डिसिप्लिन आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें भी देखिए 6 मंथ का जो है आपका यहाँ पे होना ही चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपका, तो ही जो है आपको एलिजिबल इसके लिए, मतलब इसके लिए जो है आप लोगों को मिनिमम एक्सपीरियंस इतना तो होना ही चाहिए, और इसके साथ में एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे होना चाहिए ये सारा कुछ मेंशन करके दिया हुआ है। ट्रेनिंग इंजीनियर वन आपका जो कि जॉब कोड इसका जो भी था यहाँ पे MH03, इसके लिए भी इन्होंने 4 ईयर का फुल टाइम BSc BE BTEC का इंजीनियरिंग डिग्री मांगा हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और साथ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें भी देखिए 6 मंथ का जो है जो इन्होंने मांगा हुआ एक्सपीरियंस, तो ये जो है आपका होना ही चाहिए।
अगला आपका ट्रेनिंग इंजीनियर वन का है जो कि जॉब कोड आपका, इसमें देखिए ये जो था आपका EVM 04, तो इसके लिए जो है इन्होंने 4 ईयर का फुल टाइम BA BSc BTEC डिग्री इन्होंने मांगा हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपका ये सारे ब्रांचेस है, इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगा हुआ है। अगला आपका ट्रेनिंग इंजीनियर वन जॉब कोड जो कि आपका SK 05 का था, इसके लिए भी देखिए 4 ईयर का फुल टाइम BA BTEC या BSc का डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे जो है ब्रांचेस आपके एलिजिबिलिटी इन्होंने दिया हुआ है। तो मैक्सिमम इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ACE वालों के लिए इसमें जो है आपका पोस्ट है सारे चीज़ इसके अंदर में। और देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो उनको जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ये आपका 85 मार्क्स का रहेगा आपका, और जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को पास करेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी वैकेंसी आपका इसका रेशियो देखिए 1:5 का आपका रहेगा यहाँ पे, और 50% वेटेज जो है आपका दिया जाएगा इंटरव्यू का रहेगा आपका वेटेज यहाँ पे। और आपको जैसे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी आपको लाने होंगे रिटन टेस्ट में, जो कि आपका है 35% है, ये रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये जनरल ई और OBC कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए, और ST SC के लिए जो है इन्होंने 30% का रखा हुआ है। और जो रिटन टेस्ट आपका रहेगा और इंटरव्यू का, चाहे रिटन टेस्ट दोनों का ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जब आपका बेंगलुरु में ही रहेगा। तो ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है आपका, आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करना, और आपको अप्लाई जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको करने होंगे यहाँ पे, इसमें इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है और भी इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है आपका, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है 472 रुपीज़ इन्होंने रखा हुआ है आपका यहाँ पे, और इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी प्लस GST दोनों मिला गया है। और ट्रेनिंग इंजीनियर का देखिए इसमें जो आपका अमाउंट है आपका 177 रुपीज़ का इन्होंने रखा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट आपको फ़ी पे करेंगे तो वो आपको जैसे कि ये दिया हुआ है आपका, यानी कि जो भी ऑनलाइन होते हैं वो सारे माध्यम से ही आपको करने होंगे। और बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को यहाँ पे जैसे कि आपको फ़ी पे करने होंगे, और बाकी जो ST SC PW कैंडिडेट है उनको जो है फीस से एग्जेम्प्टेड किया गया हुआ, जैसा कि हर जो पोस्ट आपके निकाली जाती है हर एक वैकेंसी उसमें तो इनको रहता ही नहीं है। और बाकी देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, तो क्या क्या करने दिए सारा लिस्ट इसमें इन्होंने दिया हुआ है, और बाकी आप लोग इसमें से डिटेल देख लेना यहाँ पे, इसके बाद ही जो है आप लोग अप्लाई करना। और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का तो आपका 24/6/2023 है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, आप लोग 24/6/2023 है अब पहले जो है आप लोग अप्लाई इसको कर देना, अगर आपका इसमें जैसे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर मीट आपका करता है तो। और भी कोई डाउट आपको रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।